हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपको दिखा रहा हूँ। पेशेंट का हम करीब 22 नंबर का चश्मा हटा रहे हैं RLE टेक्नोलॉजी से। एंड ये केस स्पेशल इसलिए है क्योंकि पेशेंट एक और हॉस्पिटल में नेपाल में गए और वहाँ पे उनको ICL की सजेशन दी गई कि इस चश्मे को ICL से हटाया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया है कि हर पेशेंट का चश्मा ICL से नहीं हटाया जा सकता। ICL को अगर यूज़ करना है, ICL का एडवांटेज लेना है चश्मा हटाने के लिए, तो आँख के अंदर ICL डालने की जगह होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ACD या इंटीरियर चैम्बर डेप्थ, जो कम से कम 2.8 मिलीमीटर से ऊपर होनी चाहिए अगर ICL सर्जरी को सेफली परफॉर्म करना है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पेशेंट का जो इंटीरियर चैम्बर डेप्थ था वो 2.5 था। तो 2.5 में तो ICL कभी भी नहीं करना होता। तो पेशेंट हमारे पास आए एक सेकेंड ओपिनियन के लिए, हमने सारा चेक करा, फिर हमने डिसाइड करा कि ICL करना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा और पेशेंट का नंबर हम लोग RLE टेक्नोलॉजी से हटाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ RLE ऑपरेशन कैसे करा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम इस ऑपरेशन में। कोई दर्द नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। बहुत स्मूथ प्रोसीजर होता है, 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट डे पेशेंट की नजर वापस आ जाती है। 3-4 दिन का थोड़ा सा परहेज रखना होता है कि आंख में धूल मिट्टी पानी वगैरह ना आ जाए और फिर पेशेंट अपने सारे काम नॉर्मल इंसान की तरह शुरू कर सकता है। तो आइए दिखाता हूँ ये ऑपरेशन होता कैसे है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ऑपरेशन जो होता है कुछ कुछ मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसा होता है। तो जैसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम आंख में एक लेंस निकालते हैं और एक लेंस को डालते हैं, वैसे ही RLE ऑपरेशन में हम आंख के अंदर का लेंस निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर एक ऐसा लेंस लगाते हैं जिसमें नेचुरल लेंस की पावर और चश्मे की पावर दोनों एक ही में होती है। तो सारी चश्मे की पावर एक तरह से आंख के अंदर आ गई और आपको बाहर से चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे शुरू कर रहे हैं, हिलना नहीं। तो बस अब आप देख सकते हैं इस ऑपरेशन में कुछ नहीं होता, सारा काम लेज़र से होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, लेज़र ये लेंस को काट रहा है, लेंस की ओपनिंग बना रहा है, फिर अंदर का जो लेंस है उसको लेज़र घोलना शुरू करेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लेज़र है अंदर के लेंस को घोल रहा है और घोल के बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। इसके बाद बस हमारा एक छोटा सा काम रह जाता है कि हम दूसरे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट होते हैं। ये जो लेंस घुल गया है इसको निकाल लेते हैं और इसकी जगह पर एक नया लेंस डाल देते हैं और बस पेशेंट का ऑपरेशन ख़त्म। टोटल 10 मिनट में हो जाता है और नेक्स्ट डे से पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। एंड स्पेशली जब किसी का 20-22 नंबर हटता है तो लाइफ जो है एक तरह से चेंज हो जाती है, बिल्कुल नई लाइफ मिल जाती है। तो आइए अब चलते हैं दूसरी OT में और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या स्टेप होता है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं नेपाल से आया हूँ। चश्मा से बहुत दिक्कत होता था, उससे पहले मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनता था, उस टाइम बहुत दिक्कत आया, इसलिए मैं चश्मा हटाने के लिए इधर आया था। बिना चश्मा तो कुछ कर नहीं सकते, उठने के टाइम में चश्मा लगाना पड़ेगा और सोने के टाइम में निकाल के सोना पड़ेगा, फिर रात में कोई इधर उधर बाथरूम जाना है वगैरह इधर उधर जाना है तो चश्मा लगा के जाना पड़ता था, पर उसको अपने जगह पे रखना पड़ता था, वो नहीं मिला तो फिर दिक्कत होता था। वो भारी चश्मा से बहुत दिक्कत आया। जब कुवैत गया था उधर तो मैं किचन हेल्पर काम किया, उधर तो मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा के काम किया, पर उधर भी बहुत दिक्कत होता था। जैसे कि अब किचन में तो आग होता है, पकाने के टाइम में वो बाफ आता है, इसलिए धुंधला धुंधला सा दिखता है। जब से इधर i7 का वीडियो देखा उस टाइम से मैं सोचा मैं अब पूरी तरह से चश्मा हटाऊंगा, इसलिए मैं इधर आया। खास तो मैं ICL के लिए आया था, इधर ICL नहीं हो पाया, पर उसके बदले RLE करना पड़ा मेरे को। कल मेरा एक आँख का सर्जरी हो गया, आज दूसरा
आँख का सर्जरी होने वाला है, भरोसा है तो इसीलिए इधर आया। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पेशेंट की लेफ्ट आई, एंड आरएलई करते हुए कुछ पेशेंट्स के मन में इस तरह का डाउट होता है कि डॉक्टर साहब, जैसे आईसीएल में आपने बताया है कि लेंस स्विट्जरलैंड में बनता है, लेंस का साइज होता है और कस्टमाइज होके बनता है, तो क्या आरएलई का जो लेंस होता है वो भी कस्टमाइज्ड है, क्या उसको भी स्पेशली बनाना पड़ता है? देखिए, ऐसा यूजुअली नहीं है। आरएलई के लेंसेज जो होते हैं वो रेडीमेड साइजेस में अवेलेबल होते हैं, तो उसमें अवेलेबिलिटी में इतना स्ट्रेस नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की पावर बहुत ही यूनिक निकली कि रेडीमेड लेंसेज फिट नहीं बैठ रहे थे, तो फिर हमें कस्टमाइज करके बनवाना पड़ता है। लेकिन 99% आरएलई में जो लेंसेज होते हैं वो रेडीमेड होते हैं, तो इसमें सिंपल स्टेप होता है कि आज चेक करा और अगले दिन ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। सो अगेन, ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसीजर, जिसमें हमारी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, क्वालिटी, सेफ्टी सब बढ़ जाता है एंड पेशेंट का कंफर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पेशेंट को कुछ नहीं करना, पेशेंट आराम से लेटा हुआ है और सिर्फ एक बटन दबाया और ऑपरेशन हमारा हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, लेज़र जो है अगेन लेंस में ओपनिंग बना रहा है जहाँ से लेंस को निकाला जाएगा, एंड ये बार दिखा रहा है कि सर्जरी की कितना हमारे स्टेप्स पूरे हो गए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप अब चल रहा है जहाँ पे लेंस को घोला जा रहा है, लेंस को काटा जा रहा है, एंड जो मेन स्टेप है हमारा वो कंप्लीट हो गया। बस अब एक छोटा सा स्टेप और रह गया है कि पेशेंट को हम दूसरी ओटी में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे लेंस डाल देंगे, एंड पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल। Start from the top. TRP, FJE, BCUH, SKD, FER. Good. T. Good. बाद में. And last? Last में U है. Okay. Good. Your vision is 612 plus. Okay. दिख रहा है कुछ? हाँ, दिख रहा है. अभी और साफ हो जाएगा. कल ही ऑपरेशन हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी नजर आ रहा है. शाबाश। तो बस हम अपनी सारी दवाइयाँ आप डालते रहना है। कब जाओगे कुवैत? एक डेढ़ महीने में जाऊँगा। और ना अपना नंबर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे जरा एक बार व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, हाँ ठीक है। अभी तो पहला चश्मा पहनने से थोड़ा दिक्कत था, अभी चश्मा हटाया थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब ये ऑपरेशन नहीं किया था ना, बिना चश्मा का कुछ कर नहीं सकता था, कभी कभी गिर जाता, टूट जाता, फिर उस टाइम बहुत परेशान होता था, पर अभी ये सर्जरी हुआ तो अच्छा है, नज़र अच्छा है, चश्मे से बेहतर 6-9 तक मैं पढ़ पा रहा हूँ। पहले इतना चश्मा लगा के भी इतना नहीं पढ़ पाता था, तो अभी 6-9 तक पढ़ पाता हूँ। बहुत खुश है, अभी चश्मे से तो बहुत अच्छा है। अब जब सो के उठने का टाइम चश्मा लगाओ, अभी तो चश्मा पहनना भी नहीं पड़ता है, बस वही, उसी में बहुत खुश हूँ।